नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आइए चले शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में होने जा वाला है कुछ खास, और अच्छी खासी जगह मैं आपको ले जाऊंगा, जो कि उत्तराखंड में टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हमारे दादाजी के द्वारा अच्छा से प्रयास किया गया है। तो चलिए, यह है नयार वैली रिट्रीट कैंप, जो कि टूरिस्ट कैंप है। अच्छी लोकेशन में, अच्छे व्यू में बसा हुआ है। तो इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और आपको दिखाएंगे कि यह कैंप किस तरह का है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कैंप की ओर और आपको दिखाते हैं कि कैंप कैसा बना हुआ है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लोकेशन में बसा हुआ है, नयार घाटी के अंदर और नयार नदी के गोद में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये किचन शेड है। यहाँ पे बांस की जो कारीगरी दिखाई गई है इस किचन को बनाने में, तो अंदर से पूरा सीमेंटेड है, लेकिन बाहर से थोड़ा कवरिंग जो है वो बैम्बू से बनाई गई है। और यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे बैठ के जो व्यू आता है नदी का पूरा देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छी जगह है। तो इस बात को, इस व्यू का जो बात है व्यू की, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का ध्यान रखने के लिए ये वॉश बेसिन बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए, और यहाँ से भी जो व्यू आता है उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है नयार नदी के किनारे। देख सकते हैं आप, और ये टाइमिंग है, देख सकते हैं जो भी गेस्ट आते हैं उनकी टाइमिंग। और ये किचन है, तो मैं जा नहीं सकता, उसका कारण है ये स्टाफ ओनली। और तरह तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये फूल, बागवानी में भी यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, हर प्रकार के फूल। ये लेमन ग्रास आपका, जो कि चाय में, ग्रीन टी, ब्लैक टी में पड़ता है वो लेमन ग्रास, ये रहा, देख सकते हैं आप। और ये एक बार पूरे कैंप को देखिए आप, हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है बारीकी से एकदम। तरह तरह के फूल आपको मिल जाएंगे। ये फूल आपका, अब गुलाब अभी उगे नहीं है, फूल नहीं आया है, तो गुलाब की आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। केले के पेड़ भी यहाँ पे लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप।
ये सर्दियों में बॉन फायर जो होता है, बॉन फायर के लिए यहाँ पे लोग बैठने के लिए, और बीच में आग जलती है, तो ये बॉन फायर बहुत ही प्यारा बनाया गया है। व्यू के हिसाब से देखिए आप, व्यू देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि किस तरह से बनाया गया है। और भी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी, जो कि कैंप में ही अवेलेबल है। ये है तेज पत्ता, जिसे जो खड़े मसालों में पड़ा जाता है, और उसका ये पेड़ है, आप देख सकते हैं। यह तेज पत्ता, दालचीनी का पत्ता जिसे बोल सकते हैं, और ये काफ़ी इससे भी चाय में फटता है, और चिकन मटन या किसी अन्य मसालों के रूप में भी इसे उपयोग किया जाता है, तो ये उस चीज़ का पेड़ है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये पेड़ है नींबू का, नींबू का पेड़ है ये, मुझे भी नहीं पता है किस चीज़ का पेड़ है, शो के लिए लगाया गया है। और एक और पेड़ दालचीनी का देख सकते हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, और जो भी पर्यटक हैं यहाँ पे निराश नहीं होंगे, काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए एरिया पूरा फैला हुआ है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये पॉन्ड बना हुआ है, ताकि गर्मियों में कोई पर्यटक आए, बैठे यहाँ पे, अपना पांव डाल के थोड़ा रिलैक्स करें। मछलियाँ भी इनमें डाली गई हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में, अभी छोटी हैं तो दिखा नहीं सकता। और देखिए यहाँ पे ये बैम्बू के पेड़ भी लगाए गए हैं, बांस के, ताकि इससे जब ये बड़े होंगे तो इनसे ऐसे यू टाइप में यू करके गेट बने, जहाँ तक मुझे पता है, तो इसीलिए इस हिसाब से लगाया गया है। और बाकी आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे चेयर भी दी गई है बैठने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। साथ ही साथ सफाई का ख़ास ध्यान रखा गया है। और देख सकते हैं आप, ये कैंप में जाने के लिए पूरा रास्ता ये बना हुआ है, और जो पर्यटक रहेंगे उनके लिए रूम वहाँ अवेलेबल हैं। रूम भी खोल के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रूम बने हुए। ये देखिए क्रिएटिव माइंड बच्चों का, ये जो बच्चे थे दादाजी के, जिनका ये कैंप है, उनके बच्चों द्वारा ये बनाया गया है। देखिए ये मोर है, उसके ऊपर फूल लगाए गए हैं, आपको दिखाऊंगा अभी धीरे धीरे। देखिए हर प्रकार के फूल हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं है, बट किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये लाल रंग का फूल होगा, कितना प्यारा फूल है, बहुत टाइप के हैं। ये है एक, ये है, ये है, ये है, और जो ये जो मोर टाइप में बनाया गया है, ये देखिए मोर आप देख सकते हैं, तो इसमें भी फूल हैं। देखिए मुझे ख़ास पता नहीं है कि किस चीज़ के फूल हैं, ये देखिए, और ये भी यात्रियों के लिए बनाया गया है बैठने के लिए, जो कस्टमर्स आते हैं दूर दूर से अपना उत्तराखंड की वादियाँ घूमने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए। तो मूड फ्रेश करने का व्यू पूरा है, पूरे पैसे वसूल हैं। देखिए देख सकते हैं आप, हर तरह के फूल आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छी बागवानी यहाँ पे है। आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, बैठने के लिए बना हुआ है, पूरे बैम्बू से, लकड़ी से बनाया है, जो कि पूरा का पूरा नेचुरल लुक दिया गया है इसको। देखिए ये गोल छतरी नुमा है, और ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं कैंप का। एक छोटा सा प्रयास जो किया गया है यहाँ पे, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और गेमिंग के लिए वॉलीबॉल का कोर्ट भी यहाँ पे है, वॉलीबॉल टेनिस दोनों खेल सकते हैं आप इसमें, बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है,
जो कि दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये मिर्च है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये देखिए कटिंग हुई है इनकी मिर्च की, ताकि ये जब बने बड़े हों और नई फली लगे तो मिर्च की पौध तैयार हो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये गाजर है, गाजर लगा रखी है। ये जो घास है ये घास नहीं है बल्कि गाजर के छोटे छोटे पौधे हैं जो कुछ दिनों बाद तैयार हो जाएंगे बड़े रूप में गाजर बन के। और धनिया लगाया है, अभी हुआ नहीं है। और ये सरसों, पीली सरसों। और बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगाए गए हैं, थोड़ा काफ़ी प्रयास किया गया है। बहुत ही खूबसूरत कैंप है, आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें यहाँ पे। नयार वैली रिट्रीट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा देगा और आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इजीली आपको वेब पे मिल जाएगा। तो ये आपको अंदर का रूम का दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए, ये अंदर रूम का, गर्मियों के लिए कूलर और सर्दियों के लिए हीटर की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है। ये बेडिंग, ये सामान रखने के लिए ड्रॉट, और साथ ही साथ फैमिली वालों के लिए अच्छा है क्योंकि अटैच लैट्रिन बाथरूम में आपको ले चलता हूँ। डस्टबिन है, गीजर की व्यवस्था भी है, तो देख सकते हैं आप। ये बाथरूम का दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो फैकल्टीज दी गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अटैच है पूरा, और बेडिंग भी आप देख सकते हैं, तो फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तराखंड की हसीन वादियों को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।